ऑक्शन की और सुनने में आ रहा है कि मेगा ऑक्शन ना होके शायद मिनी ऑक्शन हो जाएगा मेगा ऑक्शन है क्या बेसिकली मेगा ऑक्शन तब हो सकता है जब आप सारे प्लेयर्स को रिलीज़ करें सिर्फ चार या पाँच प्लेयर्स मैक्सिमम सुनने में आ रहा है कि पाँच प्लेयर्स को आप रिटेन कर पाएंगे पाँच प्लेयर्स आपके पास रुक जाएं उसके बाद ज्यादातर प्लेयर्स हो जाए रिलीज जब सारी टीम्स अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देंगी तो सारे के सारे प्लेयर्स आ जाएंगे मेगा ऑप्शन में लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद मेगा ऑक्शन हो ही ना जो आपको पता है कि वहां पे पार्थ जिंदल ने दिल्ली कैपिटल्स के, के निकल के बोला भी था जब इनकी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी जयशाह के साथ सारे आईपीएल ओनर्स की कि आई वॉज शॉक्ड कि कुछ आईपीएल टीम्स के ओनर्स ने यह भी बोला कि मेगा ऑक्शन करवाना ही क्यों है मेगा ऑक्शन को की जरूरत ही नहीं है लेकिन टीम्स लाइक पंजाब टीम्स लाइक डेली इनको चाहिए कि मेगा ऑक्शन हो ताकि इनकी टीम्स और बेटर हो भैया आज तक इन्होंने जीता तो है नहीं एक भी बार ट्रॉफी को लेकिन बाकी टीम्स जो सेटल्ड हैं जैसे के हो गई चेन्नई सुपर किंग्स हो गई मुंबई इंडियंस हो गई राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद ये टीम्स चाहेंगी कि भाई मेगा ऑक्शन ना हो एक मिनी ऑक्शन करवा दो छोटा सा ज्यादातर प्लेयर्स रिटेन हो जाए मिनी ऑक्शन हो जाए बात हो खत्म कि हमारे मेन प्लेयर्स हमारे पास रह जाए और ये टीम्स जो है इनका कुछ हो ना हो वैसे भी इनका कुछ नहीं होने वाला तो इस बात में कितना दम है कि आईपीएल ऑक्शन जो है वो अब मेगा ऑक्शन ना हो के मिनी ऑक्शन ही होगा बासुदा जी क्या चक्कर चल रहा है क्या फाइनली जो पावरफुल फ्रेंचाइजेज कि मुंबई इंडियंसरासराबाद के ओनर की झड़प भी हो गई थी, थी शाहरुख खान साथ हालांकि ने बाद में बोला शाहरुख खान बड़ा रिस्पेक्ट कर राइट टू मैच के ऊपर कितनी सच्चाई है इस बात में अब की मेगा ऑप्शन शायद ना हो सिर्फ मिनी ऑप्शन ही नहीं देखिए मुश्किल तो है बहुत कोई भी बड़ा प्लेयर ऑक्शन में आना नहीं चाहता इवन okay. हाँ मीन hmm. रोहित शर्मा हो इवन मैं सेल बाय डेट प्लेयर्स भी जितने भी हैं इंडियन क्रिकेट में वो नहीं चाहते मेगा ऑक्शन में आए hmm. uh, तो मेगा ऑक्शन का फायदा क्या है बड़ा प्लेयर ही नहीं है आपके पास आप कोर रिटेन करना चाहते हो अगर पहले चार था मिनिमम थ्री इंडियन या टू टू वॉटर बट अब इसको नंबर बढ़ने वाला है हंड्रेड

ब्रांड माने और फिर निकल गए ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए शायद एक बंधन ये बंधन तो प्यार का बंधन है कुबरा जी ये धोनी का भी हमने सुना कि अनकैप्ड प्लेयर बना के वापस ला रही है सीएसके मुंबई इंडियंस का हम जानते हैं कि वो क्यों चाहेंगे छोड़ना हालांकि वहां से तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो निकलेगा रोहित सूर्या हार्दिक बुमराह ईशान किशन तिलक वर्मा कितने प्लेयर हैं उनके पास जो कि वो छोड़ना नहीं चाहेंगे

इनके लिए जो डारल का आगे है हमारे पास रचिन रविंद्रा है कितने प्लेयर्स हैं सीएसके के लिए कि सीएसके भी रखना चाहेगी तो चलो भाई अब मेगा ऑक्शन ना हो के मिनी ऑक्शन कैसे हो सकता है अगर आप रिटेंशन की लिमिट बढ़ा दें अभी चार पे था पांच तो पक्का होने वाली है पांच तो हंड्रेड परसेंट होने वाली ड्रॉप कर दिया पता है कि पांच होने वाली है लेकिन चार से बढ़ा के पांच पांच से बढ़ा के अगर छ कर दिया नहीं अगर आपने डाल दिया कि भी रख लो राइट राइट टू मैच भी रख लो शाहरुख खान ने बोला है फिर

कि वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ आई पी एल यही ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन था उसमें लिखा हुआ था मेगा ऑप्शन आफ्टर एवरी थ्री होना years. ही चाहिए होना ही चाहिए तो आप अगर चाहते हो जस्ट एज अ फॉर्मूला टू इंश्योर दैट एवरी वन इज सिचुएशन फॉर दिल्ली एज वेल एज फॉर मुंबई आप ये काम करो मेगा ऑक्शन हर पांच साल में कर दो सो यू कैन रिटेन अ प्लेयर फॉर टाइम नहीं फिर साल के बाद भी यही ड्रामा होगा तो कोबरा जी क्या लगता है आपको कि ये इस बार ठीक हो रहा है कि नहीं ये जाती हो रही है नहीं ठीक तो नहीं है क्योंकि अगर आप <coughs> आइडियली सोचो कि जिस टीम के पास अब अगर आप एग्जाम्पल लो चार इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स तो मुंबई के पास है तो मुंबई तो नहीं चाह रही है लेना लेकिन पंजाब को अगर आप देख लो वहाँ पे एक भी इंडियन कुछ नहीं है, है। कुछ, कुछ है ही नहीं, नहीं, नहीं लाचार है दिल्ली नहीं। को देख लो तो चलो एक दो है लेकिन दिल्ली के पास नहीं है हैदराबाद के पास नहीं है हालांकि हैदराबाद चलो अच्छा है काव्य मारन ने बोला था कि टेंशन में फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा होने चाहिए क्योंकि उनके पास तीन बड़े फॉरेन प्लेयर्स है तो ये ज्यादती तो है कि आप पांच कर रहे हो फिर उसके बाद आप आरटीएम भी एक दो बढ़ा रहे हो और तो पता तो है जो वो मेगा ऑप्शन ऑप्शन के नाम पर एक मिनी हाँ और बात बात जहां तक आपकी है ना पांच साल फिर कोई गारंटी नहीं कि पांच साल के बाद और टीम स्ट्रांग हो जाए फिर बोलेंगे नहीं भाई अभी भी नहीं चाहिए जब एक बार बढ़ गई आपने आपने इसी टाइम धोखा दे दिया कि तीन साल का बोल के नहीं कराया मेगा ऑप्शन बट स्टिल मुझे लगता है कि जो पावरफुल टीम्स है बट आपको सीएस के है मुंबई इंडियंस है एसआरएच है केके आर है मतलब कि जो जो या तो प्लेऑफ के कंटेंडर्स है या बहुत बार लगातार जीते हुए हैं पांच टाइटल सी एस के ने जीती हुई है पांच टाइटल मुंबई ने जीते मैं इस बार के के आर तीसरा टाइटल जीत गई है राइट राजस्थान रॉयल्स एक जीती हुई एस आर एच इस बार आई थी प्ले ऑफ के अंदर आर सी बी आ गई थी आरसीबी का तो खैर ना तीन महीना तेरह में उनका तो कोई से नहीं है लेकिन क्योंकि पता नहीं उनकी पर्सनैलिटी नहीं है मेरे ख्याल से आईपीएल के अंदर लेकिन बाकी जो टीम्स है ना जैसे कि पंजाब किंग्स एल एस जी अब एल एस जी को सोच लीजिए दिल्ली कैपिटल सोच लिया हालांकि एल एस के अभी जो है वो अच्छा है बुरा नहीं है तो एल भी बुरा नहीं मानेगी अगर बोले कि मिनी ऑप्शन हो जाए वो ठीक है भाई मिनी ऑप्शन करा लो हमें एक दो और प्लेयर चाहिए हम बना लेंगे टीम लेकिन पंजाब के लिए स्पेशली पंजाब के लिए दिल्ली के लिए ये क्या सारी की सारी बाकी टीमों का प्रेशर झेल पाएंगे कि दो टीम ने जो बोल दिया कि नहीं भाई होना चाहिए

ये तो इंडियन प्रीमियर लीग है ये ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है टू प्लेयर्स प्लेयर्स इन द प्लेइंग तो इंडियन प्रीमियर लीग में साथ होना चाहिए अदरवाइज यू लूज द तो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ मेगा ऑप्शन थ्री इफ इट टीम फील्स आई मीन दे विल फील लाइक दैट जो है कुछ टीम ओनर्स बोल रहे थे कि हमें मेगा ऑक्शन करवाना ही नहीं hmm. तो हैरान थे कि भाई हमारी मीटिंग ही इसलिए हो रही है कि मेगा ऑक्शन में क्या होगा हम अपने सजेशन देंगे बीसीसीआई को यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं मेगा ऑक्शन करवाना नहीं और अब लग रहा है दोस्तों कि शायद आईपीएल में इस बार मेगा ऑक्शन हो ही ना जो कि दिसंबर फिफ्थ के लिए स्केड्यूल्ड है लेकिन क्योंकि यहां पे प्रेशर पड़ रहा है कि एके आर जैसी टीम्स का मुंबई इंडियन जैसी टीम का एस आर एच का सी एस के का तो ये छोटी मोटी जो टीम्स है पंजाब हो गई दिल्ली हो गई इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको टैकल करना और हो सकता है आर्बिट्रेशन में चला जाए मामला जहां ये टीम्स बोले पंजाब किंग्स वगैरह कि भाई मेगा ऑक्शन करवाओ बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि हर तीन साल के बाद मेगा ऑक्शन होगा लेकिन लगता नहीं है

ये दो टीम एंड एंड आई मीन आई इट वेरी बट दी है पंजाब और दिल्ली कभी आई नहीं जीती तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एक एक नॉवल्टी वैल्यू uh, है कि इन... हमें जीतना है भैया पांच पांच बार जीत के बैठा हुआ है मुंबई इंडियंस पांच बार जीत के बैठा हुआ है तीन बार के तीन बार तीन बार के किया तो हम क्या कर रहे हैं मार रहे क्या हमें भी जीता लेकिन हमें भी प्लेयर्स दो हमें भी प्लेयर्स चाहिए हम कहाँ से प्लेयर लाएंगे? सुनने में आ रहा है कि साहब जो है वो दिसंबर तक तो है सुना है की जयशाह अध्यक्ष बन गए आईसीसी के ऑफिशियली आईसीसी चेयरमैन मगर इमीजिएटली उन्होंने ऑफिस नहीं वहां का ग्रहण करना है ना तो यहां पर रहेंगे वो तीस नवंबर तक अभी भी बहुत टाइम है जय शाह यहीं पे बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहेंगे 30 नवंबर तक वन फर्स्ट दिसंबर को वो जाएंगे आईसीसी के अंदर और तब आपका बीसीसीआई सेक्रेटरी नया चुना जाएगा हुँ. तब चुनाव होंगे तब वोट्स पड़ेंगे और तब नया बीसीसीआई सेक्रेटरी चुना जाएगा अभी तो रोहन जेटली का नाम चल रहा है लेकिन तब तक क्या गेम पलट जाएगा या वही रहेंगे देखने वाली बात है और जहां तक जय शाह की बात है देखो जय शाह ही वो मीटिंग में थे उन्होंने वो मीटिंग ली थी सारे आईपीएल ओनर्स के साथ उन्होंने अभी तक सारे फैंटेस्टिक डिसीजन लिए राइट वो सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं लेकिन उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा बिकॉज अगर दस में से आठ टीम्स ये चाह रही हैं कि नहीं जी मिनी ऑक्शन करवा लो वी आर हैप्पी विद दैट और दो टीम्स के लिए विल ही टेक द हायर मॉरल ग्राउंड बड़ा मुश्किल है करना चाहे रूल हो चाहे ना हो बहुत ही मुश्किल है करना जैसे शायद सुनने में आ रहा था हा, ये हार्दिक पांड्या को चाहते थे hmm. जय शाह साहब की हार्दिक पांड्या ही रहे कप्तान बट एंड ऑफ द डे सूर्य कुमार यादव को बनाना पड़ गया है ना बिकॉज सबकी सहमति उधर थी तो वो सबके खिलाफ नहीं गए वैसे यहाँ पे मेजोरिटी यह तो क्लियर है कि ऑफ़ द टीम्स डोंट वांट ऑक्शन और कोई कोई भी सीनियर सीनियर खिलाड़ी खिलाड़ी आप गिनो ना आ, कोई आ, जाता मुंबई चेन्नई है हैदराबाद हैड़रब, है है और और चार नहीं है राजस्थान रॉयल्स होगी जो राजस्थान रॉयल्स ना हाँ। तो राजस्थान हो गया भी तो पांच हो गया और फैंस में बैठा होता है आरसीबी आरसीबी जहां आरसीबी <laughs> का जहां जहां वो अपना पल्ला भाड़ी है उधर वो जंप ले लेगा तो आपका हो गया छह टीम छह हो गया अब आप आपका हिसाब से एन आई आई डोंट माइंड सीइंग दैट हिसाब एलएसजी विल आल्सो कम साइड विद देम गुजरात गुजरात क्या करेगा